सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में अभी अभी कहा है कि कोर्ट की रिपोर्टिंग को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आज मीडिया रिपोर्टिंग पर एक महत्वपूर्ण फैसला आना था, जिसके बाद कि कहा गया है कि पत्रकारों को लक्ष्मण रेखा पता होनी चाहिए और मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर कोई गाइडलाइन कोर्ट बनाए ये संभव नहीं है लगता है। मेरे साथ तमाम जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आंचल जुड़ गई है। आंचल, किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन नहीं बनाने की बात की? देखिए सुमित, कोर्ट ने सबसे पहले यही बात कही है कि एक जनरल अक्रॉस द बोर्ड गाइडलाइंस नहीं बनाई जा रही है मीडिया की कवरेज को लेकर, क्योंकि इस बाबत चाहे वो प्रेस काउंसिल हो चाहे वो एनडीए हो, तमाम तरह की गाइडलाइंस एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि ये जो रीजन आप पूछ रहे हैं वो शायद डिटेल ऑर्डर में देखने को मिलेगा, नंबर एक। नंबर दो, कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि हर जर्नलिस्ट को, हर पत्रकार को लक्ष्मण रेखा के बारे में पता होना चाहिए, खासतौर से जब वो कोर्ट की कवरेज कर रहा होता है, कि कब वो लक्ष्मण रेखा लांघी उसने और कब अदालत की अवमानना हुई। तो ये डिस्टिंक्शन जो है हर जर्नलिस्ट को पता होनी चाहिए। और नंबर तीन, एक बहुत ही अहम और मील का पत्थर ये साबित होगा ये फैसला, क्योंकि कोर्ट ने इसमें, संविधान पीठ ने एक पॉइंट ले डाउन किया है, लॉ ले डाउन किया है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, वो ये है कि अब कोई शख्स भी अगर एग्रीव है, बहुत से ऐसे केसेस देखते हैं जहां पर एग्रीव चाहे वो एक्यूज या आरोपी ही क्यों ना हो, उसकी तमाम तरह की टीआरटी भी नहीं होती है और कई जगह पर तस्वीरें छप जाती हैं। तो इसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि अब ऐसा कोई शख्स जिसको लगता है कि उसके ट्रायल पर, उसके मुकदमे पर अफेक्ट हो रहा है, वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है पोस्टपोनमेंट के लिए, जो कि बहुत ही थोड़ी ड्यूरेशन के लिए। अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में। अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वकील सूरज सिंह का बयान चल रहा है, आपको सीधे वही सुनाते हैं कि जहाँ पाबंदी जो है उसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा है वहाँ पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन जहाँ पाबंदी से फायदे ज्यादा है नुकसान कम है तो पाबंदी लगा दी जाएगी। ये पावर सिर्फ हाईकोर्ट को होगी, नीचे की कोर्ट को नहीं होगी, और ये पावर आज सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दी है। Today, in an important decision,